लास्ट से आरंभ किया। हरे कृष्ण, अच्छी बात है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे महाप्रभु कौन से लीला गोटे कही पारिबो? गोटे कौन से लीला जोड़ा एमाने गोटे गोटे कथा कहिछन, ताकर ओडिया कथारे सब रेकर्डिंग हेइछ। तबे कौन से गोटे महाप्रभु कौन से गोटे लीला जदि भल करि पारिबो, अच्छा भल करि पारिबे सेटी जे भिडियो होइछ ना सेटी बसिकरि भल करि कहिबाक हो। काली गोटे लीला महाप्रभु जे कौन से गोटे लीला भल करि पारिबे जे टिके प्रभुपादंकर जे भाष्य अछि ता गोटे पढ़िकरि पूरा प्रिपेरेशन हेबो। काली तुम कथा पूरा ओडिशारे जीव से कथा ओडिया भाषा आगे टे पढ़ तुमको रेडी हब गोटे प्रस्तुत हब, ठीक अच्छे खाली भल कर पढ़। हरे कृष्ण, ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भैवच पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले तक हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान सच्चिदानंद गौर हरि जगत में क्यों आविर्भूत हुए हैं। यद्यपि बहुत कुछ कारण हैं लेकिन उसमें हम लोगों ने चार ही कारणों को हम लोगों ने श्रवण किया, लेकिन उसको साथ में और भी कुछ कुछ कारण हैं। बोले और क्या कारण हैं? कहते इंद्र ने जब उन्होंने कृष्ण के चरण में उन्होंने अपराध किया है, जब उन्होंने अपराध किया इंद्र तो पहले सोच रहा था ये साधारण कोई बालक होगा, हाँ ये कोई साधारण बालक होगा, लेकिन जब देखा जब उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया संपूर्ण गोकुल को मैं तसनस कर दूंगा ध्वंस कर दूंगा, 7 दिन तक ओले गिराया हाथी के सूंड जैसे मूसलधारा से बारिश हुई वज्रपात मान ब्रज में पूरा के पूरा जैसे ब्रज में एकदम तहलका मची गई तसनस करने के लिए कोशिश की, लेकिन कृष्ण जब श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने 7 दिन तक धारण किया 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा देख कर गया तो क्या हो रहा है, वो केवल ऊपर ऊपर देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं सब खत्म है। तब उन्होंने और एक को भेजा बोले तू देख कर गया क्या हो रहा है ब्रज में सत्यानाश हो गया कि नहीं, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, ये नीचे आया, नीचे आया तो देखा एक चिट्ठी तक भी नहीं भरे, वहां तो धूल उड़ रहा था, वो सोच रहा था शायद ब्रज में कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति नहीं ब्रज में तो संपत्ति आ गई, ब्रज में संपत्ति क्यों, सबके सब ब्रजवासी कृष्ण का जो इच्छा था मैं 7 दिन तक अपना ब्रजवासियों को साथ में आनंद लेना चाहता हूँ, देखा सचमुच से ब्रज में तो होली मच रहा है, ब्रज में तो नाच कीर्तन वहां पर तो एकदम उत्सव हो रहा था, कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए सब के सब आनंद में नाच रहे थे कूद रहे थे खेल रहे थे हैं, और सारे को सारे कृष्ण की जो इच्छा थी मैं राधा रानी को गोपियों को साथ में मिलने में बड़ा कष्ट होता है ऐसे क्या करे जो कि इनको साथ में साक्षात में मिल सकूं, जो राधा रानी को साथ में मिलना बड़ा कठिन होती थी, अभी राधा रानी कहां जाएगी एकदम सामने आ गई, राधा रानी सामने आ गई
राधाराणी का कृष्ण दर्शन कर रहे थे राधाराणी का मुखार बिंदु को, इसलिए जब उसने वापस गया बोले ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रज का क्या सत्यानाश, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या, जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो बाम हाथ नहीं, कनिष्ठ अंगुल में नहीं, नख के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अरे जोर से बोलो, कोई जे कोई है बोल रहे जोर, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। बोले वहां तो आनंद मच रहा है, होली हो रहा है वहां। इंद्र ने देखा ये कौन है। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, बोले ये तो मेरे प्रभु है जिसने कृपा करके बलि महाराज तो मेरे इंद्रपद को छीन लिया था, इन्होंने ही कृपा करके पुनः ये इंद्रपद दिया। उन्होंने कोशिश की है जा करके अमरावती में इंद्राणी को सची को साथ में विश्राम करने के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आई, उसका नींद उड़ गई, लगता है मेरा पद ही चला गया। फिर गए गुरु जी के पास में, गुरु जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, फिर ब्रह्मा जी बोले भैया मैं भी कुछ दिन पहले बुरे तरह से फंस गया था। बोले फिर, बोले चलो श्री सुरभि गाभी को पास में चलते हैं, वो माता है, हैं कृष्ण गोपाल है, गैया को पालन करने वाली, नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये गो और ब्राह्मण को हित करने वाले, चलो मूल जो माता श्री सुरभि गाभी के पास में चलते हैं। फिर उनके अनुगत्य में जब उन्होंने कृष्ण के चरण में माफी मांगे, कृष्ण तो बड़ी डांट लगाए हैं, कृष्ण बड़ी डांट लगाए, बोले खबरदार कभी ऐसे अभिमान नहीं करनी चाहिए, जैसे हम अनुग्रह नामे हरि से तद धनो सनई, मैं जिसको पर मैं कृपा करता हूँ उसका सारे धन दौलत तो सब कुछ मैं उसको छीन लेता हूँ। इसलिए कृष्ण का तो एक नाम उन्होंने गोविंद नाम रखा, कृष्ण को अभिषेक किया, लेकिन उन्होंने देखा कृष्ण हृदय से मेरे ऊपर में खुश नहीं हुए, कृष्ण हृदय से मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने देखा यही कृष्ण श्री कलियुग में श्री सचिनंदन गौर हरि होकर के श्री नवद्वीप धाम में आए। इसलिए उन्होंने सुरभि गाभी की अनुगत्य में उन्होंने क्या किया, गोद्रुम, जहाँ पर श्री गोद्रुम गाथा गाची वहीं पर उन्होंने तपस्या की है, वहीं पर तपस्या की है, तो उन्होंने महाप्रभु का उन्होंने दर्शन किया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया गोद्रुम। गो मतलब होता है गाभी, ध्रुव मतलब वहां पर विशाल एक वटवृक्ष था, जिस वटवृक्ष को नीचे उन्होंने श्री सुरभि गाभी की अनुगत्य में श्री सचिनंदन गौर हरि को उन्होंने उपासना किया। इसलिए अभी महाप्रभु दर्शन दे करके बोले मैं कलियुग में मैं अवतीर्ण यहीं पर मैं अवतीर्ण होऊंगा है, सबको मैं प्रेम दूंगा। इसलिए कहते ये भी एक कारण है महाप्रभु को इंद्र के ऊपर में कृपा करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है, कहते श्री ब्रह्मा जी जब कृष्ण की गो वत्स को उन्होंने हरण किया है, अभी जब देखा कृष्ण ने अघासुर को उन्होंने वध किया है, वध करते देखते ही सारे देवता लोग हैं जय जयकार किया, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी आपस में चर्चा कर रहे थे, अभी ये धीरे धीरे ये चर्चा ब्रह्मलोक में पहुंचा, बोले भैया ब्रज में इतने जय जयकार क्यों हो रहे। ब्रह्मा जी उत्तर करके देखा, क्या देखा, कृष्ण का उम्र था 5 साल का, लेकिन उन्हें 5 साल में इतने बड़ी राक्षस देवता लोग जिससे डरते थे उन्होंने असुर को वध कर डाले। अरे क्या देखा, कृष्ण जब उसका मुंह से निकले उसका ब्रह्म तालु फट करके की ज्योति आकाश में बढ़ रहा था, फिर वो ज्योति आकर कृष्ण शरीर में समा गया। बोले बालक कौन है जिसके शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी जिसके शरीर में समा गया। जब कृष्ण फिर जा करके क्या कर रहे थे, यमुना किनारे में बैठे करके वहां सबके सब भोजन कर रहे थे, कृष्ण बीच में बैठे हुए और सारे सखा गोल 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 करके बैठे हुए, हजार हाँ लाख उनको सखाए, लेकिन हर सखाए देख रहे थे कृष्ण मेरे सामने कृष्ण बैठे हुए, जैसे शालग्राम है ना, सब तरफ में मुंह, सर्प तरफ में प्यार, सब तरफ में हाँ भगवान का सब कुछ है, इसलिए सबके सब दर्शन कर रहे थे मेरे तरफ में। इसलिए अभी कृष्ण सभी लोग कृष्ण को खिला रहे हैं खा रहे हैं, एक सखा ने बड़ी सुंदर छाछ लाए थे,
वो सखा ने कहा कि निया मेरी मैया ने बड़ी सुंदर छाछ भेजो है। बोले तो क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दे। बोले थोड़ी देने का लायक, पीने का लायक है। अभी वो मटकी लेकर दोनों खेचादानी करने लग गया। खेचादानी करते करते मेरे को दे, करते करते ना वो छाछ छलक करके वो सखा की छाती पर गया। कृष्ण जीव देकर चाट रहे थे। बोले बड़े चोखो छाछ है, ये छाछ तो बहुत बढ़िया छाछ है। ब्रह्मा ने देखा ये कैसे भगवान है जिसको झूठन फूटन को भी कुछ पता ही नहीं है। वो तो नारायण का भक्त है ना, नारायण का भक्त है। जैसे जगन्नाथ जी का सेवा होता है, कैसे जब सेवा होता है ना मुंह में कपड़ा बांध करके कोई थूक नहीं गिर जाए, जगन्नाथ जी बड़ी नीति नियम से सेवा होता है। नारायण का सेवा में तो सबके सब करते हैं, हैं? लेकिन ब्रज में तो कोई कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। अभी ये लीला देख करके तो भ्रमित हो गए, बोली कैसे भगवान है। थोड़ी सी आगे लीला देखो, बस आगे लीला देखने के लिए उन्होंने बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी की। चोरी करने पर कृष्ण जैसे सखा, जैसे बछड़े, जैसे उनके रंग, जैसे लकुटी, जैसे गला की आवाज, कृष्ण ठीक वैसे ही प्रकट करके कृष्ण स्वयं हैं अपना को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे। अरे ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर के वहां चले गए और दरवान को बोल दिया, देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपियों को घूमते हुए, अगर कोई आए तो आने नहीं देना। जाकर कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी की आसन पर बैठ गए। जब ब्रह्मा स्वयं वहां पर आए, जो दरवान लोग थे ना उनको तो भगाए, बोले तू कहां से आ गया। प्रभु तो सही बोल रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहु रूपियों को घूमते हुए मैंने देखा, घुसने नहीं देना, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए, तो चार सर लगाकर कहां से आ गया। उनका जो नौकर लोग थे ना वही डंडे लेकर उनको मारने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा तो भगे, बोले ये क्या हो गया, मेरे नौकर लोग मेरे को भगा रहे हैं, उनको तो पता मैं कुछ गड़बड़ी करके आया हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कौन बैठ गया, देखा उनका प्रभु ही स्वयं, उनका प्रभु ही बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा गए और आए और इस जगत में एक साल हो गया। और एक साल पहले कृष्ण जैसे अपना सखाओं को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में लीला कर रहे थे, कृष्ण ठीक वैसे लीला कर रहे थे। फिर भ्रमित हो गए हैं, फिर सोचा शायद वहां से ले आई गुफा से, वहां पर देखा, बोले नहीं वो तो वैसे ही। फिर एक साथ में दोनों तरफ में इधर दो सर, इधर दो सर, जब देखा भगवान उनको दिखाया, देखो मैं कौन हूँ, जितने सखा जितने बछड़े सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, सबके सब नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए है, क्या समझ गए, कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जब समझ गए ये सारे कारणों का कारण है कृष्ण, फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या किया, अभी तक बैठे हुए थे हंस वाहन के ऊपर में हैं, बैठे हुए थे, उन्होंने हंस वाहन से कूद पड़े, कूद करके सीधा कृष्ण के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन जब प्रणाम किया है ना, देखा केवल एक सर कृष्ण का चरण को स्पर्श कर रहा है, लेकिन तीन सर स्पर्श नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी जोर करके तीन सर को लाए, चार सर को कृष्ण के चरण में लगाए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा शरीर का एक अंग ही ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है। तब यहाँ विश्वनाथ चौटर कहते हैं कद जो देवता है ना, देवता में दो गुण है, कितना गुण है, क्या क्या, कद देवता का कभी भी उनका चरण ये जमीन को स्पर्श नहीं करता है, और दूसरा लक्षण उनका आंखों का जो पलक है ना, कभी ये झपे कभी झपकती नहीं, हर समय उनकी आंख खुली रहती है, और उनका शरीर कभी ये धूल को स्पर्श नहीं करता, ये पृथ्वी लोक को। लेकिन यहाँ प्रश्न है, ब्रह्मा जी फिर पूरा साष्टांग प्रणाम कैसे किया जमीन के ऊपर में, कद इसलिए ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा तो ब्रह्म लोक में रहते हैं, देवता तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, लेकिन उसको तो बहुत ऊंचे ऊपर में ब्रह्मा जी, फिर उनका शरीर कैसे स्पर्श किया। बोले कारण है ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ का जो ब्रज रज है, ये ब्रज रज कोई साधारण वस्तु नहीं, इसलिए बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटप्याम जत गोकुल अपि कथमांगि रजो विषकम। ब्रह्मा जी कहते प्रभु, कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, ब्रज में मेरे की क्या कोई सखा सखी बनना चाहते। बोले नहीं 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 भैया, ब्रज में मैं सखा सखी नहीं बन सकता हूँ। बोले यहाँ पर कोई पशु पक्षी बनना चाहते। बोले नहीं 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 नहीं। बोले यहाँ कोई पेड़ पौधा बनना चाहते। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों, कारण क्या है,
ବୋଲେ କାରଣ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହତେ ବ୍ରଜ କା ଜିତନେ ଲତା ପତା ଗୁଲ୍ମ ଲତା କିଡ଼େ ମକୁଡ଼େ ହେ ନା ୟେ ବ୍ରଜ କେ ଇ ସାଧାରଣ ନହିଁ ହେ ସବକେ ସବ କୃଷ୍ଣାନୁକୂଲମ କୃଷ୍ଣ କି ସେବା କରତେ ୟା କା କିଡ଼େ ମକୁଡ଼େ ବି କୋଇ ସାଧାରଣ ନହିଁ ହେ ବୋଲେ ଭୈୟା ଫିର କୁଛ ଚାହତେ ହୋ କ୍ୟା ବୋଲେ ମେ ଚାହତା ହୁଁ ବ୍ରଜ କା ବାହାର ଯୋ ଛୋଟେ ଜାତି କେ ଲୋକ ରହତେ ହେ उनको घर को सामने मेरा पत्थर जन्म हो जाए। अगर वो मेरे को पत्थर मान करके अपना चरण को रगड़े, अगर उन्हीं का अगर चरण धूल मिल गया ना, मैं जीवन धन्य हो जाएगा। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी तुम ब्रह्मा हो, तुम साधारण थोड़ी हो, ये जगत को सृष्टि करने वाले तुम हो, और तुम इतने बड़े होकर के कहते हो ब्रज का जो बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर में पत्थर बनना क्यों चाहते हो इतने बड़े होकर के। बोले जत मुकुंदम, बोले भैया ये जो यहाँ के छोटे जाति हो गए साधारण नहीं। मुकुंदम मतलब एक अर्थ होता है जिनका दांत कुंद पुष्प, जिनकी हंसी कुंद फूल जैसे हैं, बड़े सुंदर है। बोले जिनका जीवन ही कृष्ण का हंसी ही जिनका जीवन है। इसका मतलब ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते ना उनके भी बराबर में नहीं हो सकता हूँ। इसलिए अगर उन्हीं का अगर चरण धूल मुझको मिल जाए तो मैं अपना जीवन को धन्याति धन्य मैं मानूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर ब्रह्मा चल पर्वत रूप में कहाँ पर बरसाना में पर्वत रूप में उन्होंने पर्वत रूप में ब्रह्मा जी जन्म होकर के बोले 60,000 साल उन्होंने तपस्या की 60,000 साल। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण तो माफ किया है लेकिन हृदय से नहीं, हृदय से माफ नहीं किया है। उनने देखा अभी मैं क्या करूं। बोले मेरे को ब्रह्मा बना दिया ना, ब्रह्मा पद, क्योंकि दुनिया को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ पद है, जिनका दिन में इंद्र चंद्र वायु वरुण जम जितने सबके सब ब्रह्मा के अनुगत्य में इनके अधीन में रहते, इतने बड़े पद भगवान मेरे को दे दिया ना, इसलिए प्रभुता पाई का बदना है। देखो ये बहुत बड़ी शब्द कह रहे, बोले प्रभुता मतलब होता है, प्रभुता समझते हो जो पद है, प्रभुता मतलब होता है सम्मान, वह प्रभुता होता है कोई बड़े ऊंचा पद है। बोले प्रभुता पाई का मद नाई, मतलब है पोस्ट ऐसे की चीज है कद जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिनको ऊंचा पद मिल गया और उनके अंदर में अभिमान नहीं आ जाए। का मद नाई मतलब सभी के हृदय में ये अभिमान अहंकार आ ही जाता है, लेकिन आता ही नहीं किसके हृदय में, भक्तों का हृदय, भगवान की जो भक्त हैं, हैं जो भगवान की भक्त होगा जितने भले ही जितने बड़े पोस्ट मिल जाए कभी उनके अंदर में अभिमान नहीं आता है। वो हर समय क्या मानते हैं, हम कौन हैं, वैष्णव का, दासों का, दासों का हम अनुदास है, ये भावना रखनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये भावना रखेंगे तो अरे बच पाएंगे, नहीं तो श्री वामन गोस्वामी महाराज कहते थे कि छीनो आरो की होनो, उनका बंगला भाषा में मतलब कि छीनो आरो को होनो, मतलब मैं क्या था और क्या बन गया, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। इसलिए कभी भी अभिमान, वामन गोस्वामी महाराज बोलते थे नहीं कभी अभिमान, वैष्णव जगत में भले ही जितने बड़े पोस्ट मिले क्या मान समझो, हम वैष्णव का, दासों का, दासों का हम दास। अगर ये भावना अगर हमारे हृदय में रहे तब तो हम भजन कर पाएंगे। अगर अभिमान आ गया, देखो हमारे जो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, हमने उनको देखा है, ये मथुरा में आते थे, वृंदावन में भी, रूप सनातन गौड़िया मठ में भी रहते थे। एक दिन हमने देखा महाराज झाड़ू लगा रहे, रूप सनातन मठ में झाड़ू लगा रहे, जब पहले उनका मठ नहीं था, है उनका मठ पहले नहीं था, ये वहां पर सेवा कुंज में नहीं था, पहले रूप सनातन मठ में रहते थे, हमारे साथ में परिक्रमा करते थे और प्रेमानंद प्रभु तो उनको बहुत सेवा करते थे, इसलिए कोई आए ना बोलते थे जाओ प्रेमानंद प्रभु के पास में जाओ सेवा सीखो, क्योंकि प्रेमानंद प्रभु उनकी कोई वैष्णव जाते थे मथुरा में, प्रेमानंद तो बहुत सेवा करते थे, हैं पूरा जी जान देख कर सेवा करते थे, कोई भी वैष्णव आए उनको हर तरह से तन मन धन से उनको सेवा करते थे। इसलिए वो बोलते थे कोई आए तो बोले प्रेमानंद पास में जाओ सेवा सीखो, हाँ उनके पास में सेवा सीखो वो बोलते थे। इसलिए वो जो वृंदावन मठ में थे झाड़ू लगा रहे थे, मैंने देखा बोले महाराज जी आप झाड़ू लगा रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो, देखो क्या करे, बोले सेवा कुंज है,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରୂପ ସନାତନ ମାଟି ସେବାକୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲେ ସେବାକୁଞ୍ଜ ହେ ଝାଡୁ ନାହିଁ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତ ଓ କହତେ ଯତ୍ କିଂ କରିଛୁ ବହୁଶ ଖଳୁ କାହାକୁ ବାଣୀ ନିତ୍ୟମ ପରସ ପୁରୁଷ ଶିଖଣ୍ଡ ମୌଲି ଯଶ୍ୟା କଦା ରସନିଧେ ବୃଷଭାନୁ ଯାୟା ତତ୍ କେଲି କୁଞ୍ଜ ଭାବନା ଗନି ମାର୍ଜନି ଶ୍ୟାମ ହଁ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତ ତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା କ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରତି ଜିସ ନିକୁଞ୍ଜ ମେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ମହାନ କି ହେ ଔର ଗେଟ ବସ ବାହାର ଖଡି କରିଦି ଆପଣା ସଖିଓଁ କୋ ବୋଲେ ଖବରଦାର କିସି କାଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋ ଅନ୍ତର ମେ ଘୁସନେ ନହିଁ ଦେନା ଦେଖୋ ଏ ଯୋ ଭୌଆ ଯୋ କାଲେ ହେ ନା ଇସକୋ ଭି ଚନ୍ଦନ ସେ ସଫେଦ କର ଦୋ ଚୋଟି ଯୋ କାଲି ହେ ଫୁଲୋ କି ମାଲା ସେ ଚୋଟି କୋ ଭି ସଫେଦ କର ଦୋ ହେ ଇସଲିଏ ଆଜ ମେ କିସି କାଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋ ମେ ଦେଖନା ନହିଁ ଚାହତେ ହୁଁ ଅଭି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆ କରକେ ଉନକୋ ସଖୀ ମଞ୍ଜରିଓଁ କୋ ପାସ ମେ ହାତ ଜୋଡ କରକେ କହତେ ଥୋଡ଼ି ସି ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଜୀ କୋ ଦର୍ଶନ ଦିଲା ଦୋ ହଁ ଦର୍ଶନ ଦିଲା ଦୋ ଓ କହ ରେ କବ ମେରା ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଗା ଜବକି ଇଏ ସେବା କୁଞ୍ଜ ମେ ହଁ ଜିସମେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ମାନିନ ମାନ କି ଝାଡୁ କା ଏକ ମେ ସଲାଗା ବନ ପାଉଙ୍ଗା ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବାତ କହ ରେ ହଁ ତ ପୁରୀ ମହାରାଜ କହତେ ଜାଣତେ ହୋ ଇ ସେବା କୁଞ୍ଜ ହେ ହମ ମନ୍ଦିର ମେ କହାଁ ଝାଡୁ ଲଗା ରହେ ହେଁ ଶ୍ରୀ ସେବା କୁଞ୍ଜ ମେ ହମ ଝାଡୁ ଲଗା ରହେ ହେଁ ୟହାଁ କହତେ କି ସଲାଗା ବନନେ କେ ଲିଏ ତୁମକୋ ବିଦ୍ୟା ଭି ଏକ ସଲାଗା ବନନେ କେ ଲିଏ ୟହାଁ ପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଜୀ କି ଚରଣ ମେ ହେଁ ଉନ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଔର ହମନେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖା ମହାରାଜ ଜୀ ନା ସହଜ ମେ ନା କିସକୋ ସେବା ଦେନା ନହିଁ ଚାହତେ ଥେ ହେଁ ସହଜ ମେ କିସକୋ ଅପନା ସେବା ଦେନା ନହିଁ ଚାହତେ ଥେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଉନକା କୋଇ ସେବକ ଲାଷ୍ଟ ମେ ଆଏ ଲେକିନ ପହିଲେ ତ ଉନକୋ କୋଇ ସେବା ସେବକ ଜବ ୱହାଁ ପର ଆତେ ଥେ ଆଉ ଅକେଲେ ଆ ଜାତେ ଥେ କୋଇ ଏକ ଆଧ ସେବକ ଆଏ କି ନହିଁ ଆଏ ଫେର ତ ହମାରେ ଯୋ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ ସବକେ ସବୁ ମହାରାଜ କି ସବକେ ସବୁ ସେବା କରତେ ଥେ ହେଁ ସେ ଇସଲିଏ ଓ ଇତନେ ବଡ଼େ ହୋତେ ହୁଏ ଭି ଉନକେ ଅନ୍ଦର ମେ କିତନେ ମତଲବ କିତନେ ଦୀନହୀନ ଭାବନା ଉନକେ ଅନ୍ଦର ମେ କିତନେ ଦୀନହୀନ ଭାବନା କିତନେ ଭାଷା ଜାଣତେ ଥେ ମହାରାଜ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମହାରାଜ କିତନେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ବାଂଲା ଇଂଲିଶ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କୃତ ଛେ ଭାଷା ଜାଣତେ ଥେ ମହାରାଜ ଛେ ଭାଷା ମହାରାଜ ଜାଣତେ ଥେ ହେଁ ଲେକିନ ଇତନେ ବଡ଼େ ହୋତେ ହୁଏ ଭି ମହାରାଜ କେ ଅନ୍ଦର ମେ ହେଁ ଉନକା ଶିଷ୍ୟ କୁ ଯୋ ଗାଲି ଦେତେ ନା ସୋଚ ନହିଁ ସକତେ ହୋ ଏକଦମ କଚ୍ଚା ଭାଷା ମେ ଗାଲି ହେଁ ବହୁତ ବହୁତ ଉନକୋ ଉଲଟା ସିଧା ଗାଲି ଦେତେ ହଁ ଇସଲିଏ ଆମର ବାମନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବି ଆସି ଥେ ହଁ ବାମନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଇସଲିଏ ଜିତନେ ହମ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ବୈଷ୍ଣବ କୁ ଦେଖତେ ହେ ନା ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବ କା ଭୂଷଣ କିଆ ହେ ଦୀନତା ହି ଇନକି ଭୂଷଣ ହେ ୟେ ଚିଜ କୁ ସମଝନି ଚାହି ଭକ୍ତି ଜଗତ ମେ ଦୀନତା ହି ଭୂଷଣ ହେ ଜୈସେ ଜିତନେ କିସି ପେଡ଼ ମେ ଜିତନେ ଫଲ ଆ ଯାଏ ଓ ଝୁକ ଜାତି ଓ କଭି ଉଚ୍ଚା ନହିଁ ହୋତା ହମାରି ଅନ୍ଦର ମେ ଜିତନେ ଗୁଣ ଆଏଗା ହମ ଉତନା ହି ଦୀନହୀନ ବନ କରକେ ରହେଙ୍ଗେ वैष्णव का दासों का दासों का दासों का अनुदास बन करके रहनी चाहिए अभिमान हृदय में नहीं आनी चाहिए फिर तो हम भक्ति जगत में टिक सकते नहीं तो भक्ति जगत में फिर तो अभिमान सुरापान है अभिमान सुरापान है इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरे को इतने बड़े पोस्ट दे दिया ना भगवान ने इसलिए मेरे अंदर में अभिमान आ गया अभी मैं इतने बड़े पोस्ट में नहीं आऊंगा अभी तो मैं कलयुग में सबसे निकृष्ट जात में है ब्लेच्छ जाति में जवन कुल में आऊंगा आएगा तो हमारी मेरे अंदर में दीनहीन भावना रहेगा फिर तो मैं दीनहीन बन करके त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देन कीर्तनीय सदा दीनहीन होकर के हैं तभी तो भगवान की नाम मुंह से तभी निकलेगा कहते ना गुरुदेव बड़ कृपा करी कृपा बिंदु दिया कर यही दासे त्रिनापेक्षा अतिना सकल सहने बल दिया कर निज माने स्प्रिहाहीना सकल सन्मान करिते सकति देहनाथ जता जता तबे त गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत इसलिए
भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते कब ऐसे दिन आएगा जो दीनहीन बन करके हम रहेंगे, सबको यथा योग्य सम्मान देंगे, सबको आदर जतन करेंगे, आदर जतन। इसलिए ब्रह्मा जी बोले अभी हरिदास ठाकुर बनकर के मुसलमान घर में जाऊंगा, फिर तो दीनहीन बनकर भजन करूंगा। इसलिए उनको फिर उन्होंने श्री जत्रिकुल निरर्थक यह बुझाई थे जन्म लेन हरिदास जवन कुल थे, इसलिए उन्होंने जवन कुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। अब इनकी इच्छा पूरी करना पड़ेगा महाकृष्ण को, इसलिए फिर कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने श्री सचिनंदन गौर हरि श्री महाप्रभु का रूप में जगत में आए। ये सब कारण बताते क्यों आए, फिर उन्होंने श्री जगाई माता को भी, इनको भी उद्धार करना। पहला अवतार में तो ये बन के क्या बन करके आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन करके आए। किसने वध किया, भगवान है कहते श्री वराह अवतार में और श्री नरसिंह अवतार में वध किया। फिर उन्होंने रावण कुंभकर्ण बन करके आए, भगवान राम ने वध किया। फिर शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए, किसने वध किया, भगवान कृष्ण ने वध किया है उनको हाथ में। फिर लास्ट में फिर जो प्रेम पुरुषोत्तम रूप में श्री सचिनंदन गौर हरि आए, फिर उन्होंने इसी अवतार में भी श्री जगाई माधाई बन करके आए। और श्रीमन महाप्रभु बोले मेरे छी कल सिर काना ताई बोली की प्रेम तू बना, भले ही कल सिर काना मेरे मेरे सर फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं प्रेम नहीं दूंगा, एक बार तुम श्री सचिनंदन गौर हरि का नाम ले लो, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरि नाम ले लो, सारे अपराध को मैं माफ कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस सब कारण को लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। हैं अभी चैतन्य भागवत को शुरुआत करते हैं, कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया ना। बोले पूर्वे ब्रह्मा जन्म लेन नाभि पद्म हरिते, तथापि वो शक्ति नाही किछु देखिते, अचिंत अगम कृष्ण अवतार लीला, सही ब्रह्मा भागवते अपने कहिला। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी जब उन्होंने भागवत को, जब चैतन्य भागवत को शुरुआत कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, सर्वप्रथम वो कह रहे हैं, कहते भगवान का लीला समझना इतना आसानी बात नहीं है, है? भगवान का लीला को वर्णना करना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए ये बात कह रहे हैं जिस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, चारी तरफ में पहले एक सर था, जब चारी तरफ में देखने का इच्छा हुई चार सर हो गया, फिर उन्होंने देखा मेरे सृष्टि कहाँ से हुई, कमल नाड़ में उन्होंने अनुसंधान की हजार साल तक पता चलाए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला मेरा सृष्टि कहाँ से हुई। फिर ऊपर में आए, फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का सोलहवा और इक्कीसवा अक्षर सुना, बोले त और प। जब उन्होंने तप मतलब तपस्या तुम करो, जब उन्होंने तपस्या की फिर क्या हुआ, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सहसा रहस्य ज्ञानम गदितम मया। फिर तो भगवान ब्रह्मा जी को है बोले ज्ञान नहीं है, कहते विज्ञान को उन्होंने उनका हृदय में विज्ञान को उन्होंने स्फूर्ति प्राप्त कराए, गोपाल मंत्र उनको प्रदान की, दिव्य ज्ञान प्रदान की है। यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जैसे व्यक्ति है, जिन भगवान को प्राप्त करना ब्रह्मा जैसे व्यक्ति के लिए कितने तपस्या करना पड़ा, अचिंत अगम कृष्ण अवतार लीला, सही ब्रह्मा भागवत अपनी कहिला। ब्रह्मा स्वयं श्रीमद् भागवत में बताए भगवान का लीला अचिंत और अगम, सही जाने जा रहे देहु जाना है, वही उनको जान सकते हैं जो कृपा करके जिसको वो जानते हैं। इसलिए न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते न जमे वै से वृणते न लभ्य तसे से आत्मा विवृणते धनुष्याम। जब कृपा करके वो किसको जानते हैं तभी उनको कोई जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले उन्होंने यहीं से आरंभ करते हैं, मतलब हे प्रभु हे सचिनंदन गौर हरि, आपको लीला समझना बड़ा कठिन है, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी आपको समझ नहीं सके, पर मैं कैसे समझूंगा, इसलिए आप मेरे ऊपर आप कृपा करो, मेरे ऊपर आशीर्वाद करो, आपका लीला को मैं वर्णना करने जा रहा हूँ, आप ही अगर कृपा करके मेरे को जनाएंगे
फिर तो मैं कुछ वर्णना कर सकता हूँ, ये कर बोलते हुए फिर उनने चैतन्य भागवत ग्रंथ को शुरुआत करते हैं। ठीक है, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 bala hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare 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 krishna 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 Hare Hare Bola Krishna Bola Rama Rama Hare Hare Bola Rama Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bola Hare Bola Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bola Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anitai Gauranga Jay Anitai Gauranga Anitai 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 Gauranga Ai Jai Sachinandana Jai Gaurahari Ai Jai Sachinandana Jai Gaurahari Jai Sachinandana Jai Gaurahari Hare
बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जय सुदर्शना जय हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल सकाले ছেলেরা শ্লোক করুন না কেন খানা আছে প্রবলেম আছে